भाई साहब छाती देखना कितनी बड़ी लग रही है, और भाई ये देखो ब्लू कलर की छाती कितनी मस्त लग रही है, और भाई इन पे भाई सारी डेकोरेशन हो रही है, और भाई की जो आप बढ़िया बढ़िया छाती बना रखी है, तारक में लाइन से छाती पड़ी हुई है, लाइन से बिल्कुल। भाई साहब धोती चेक करो भाई कितनी बढ़िया बढ़िया लग रही है, डेकोरेशन क्या जबरदस्त कर रखी है भाई, और कितने बड़े बड़े लग रहे हैं भाई ये देख रहे हो, मस्त एकदम। तब ये चेक करो भाई लाइन से मुंह लगा रखे हैं एकदम लाइन से, देख रहे हो, ओ भाई मस्त। सो हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे सब, होप करता हूँ सब बढ़िया ही होंगे और बढ़िया ही रहना। सो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, जैसा कि आपने थंबनेल टाइटल में देख ही लिया और मेरे पीछे देख ही रहे हो भाई, आज है तारीख 21 अक्टूबर, मतलब भाई रावण हो चुके भाई तैयार, और दशहरे में मात्र 2 दिन रह गए, 22 और 23 तारीख, भाई 24 तारीख का जो है भाई अपना दशहरा है, और रावण हो चुके भाई इधर तैयार जैसे कि आप मेरे पीछे देख ही रहे हो। बाकी भाई मैं आपको ढंग से दिखाऊंगा, व्लॉग को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जो भी मेरे व्लॉग पे नया है व्लॉग को कर दो लाइक, चैनल कर दो सब्सक्राइब, और एक कर दो प्यार सा कमेंट कि आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं। बाकी भाई व्लॉग को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो भाई शुरुआत करते हैं कुछ यहाँ से, और यहाँ की एक मैं यूनिक बात बता देता हूँ तुम्हें सबसे हटके, भाई यहाँ पे जो है भाई घाघरे वाले रावण नहीं बनते हैं, यहाँ पे जो है भाई धोती वाले रावण बनते हैं। जैसे कि आप मेरे पीछे देख ही रहे हो भाई, कहीं घाघरा दिखेगा ही नहीं, ऑलमोस्ट भाई सारी यहाँ पे धोती धोती, और धोती ऐसी वैसी धोती नहीं है, मतलब कहते हैं ना भाई A1, आप देख ही रहोगे। और भाई मैं आपको इसको पास से दिखाता हूँ भाई, खड़े होने के बाद तो भाई दूर से तो बहुत लोग देखते हैं, एक बार भाई पास से भी एक बार नजर मार लो आप कैसा बन रहा है। देख रहे हो नीले कलर की धोती, काले कलर की धोती, अपना ऑरेंज कलर की, भाई लाल कलर की, भाई देख रहे हो भाई लगातार भाई इधर जोरों शोरों से काम हो रहा है, और भाई देख रहे हो भाई क्या जबरदस्त लग रहा है भाई, धोती चेक करो, और कम से कम ये 12 से 13 फुट की धोती धोती होगी, और भाई देख रहे हो कितना लाइन से कितना बढ़िया तरीके से सजा रखा है, डेकोरेशन A1 है भाई, ये देख रहे हो एक एक करके, मतलब भाई कितने प्यारे ढंग से, मतलब तसल्ली से लगा रहे हैं, ये देख रहे हो भाई। भैया कितने फुट की धोती होगी रावण की? भैया हमारा टोटल पड़ जाता है 31 फुट का। 31 फुट का, और भाई ये धोती धोती कितने फुट की है? ये धोती लगा के मान के चलो आप, ये 10 से 11 फुट की धोती है। अच्छा, बाकी कितने दिन हो गए तुम यहाँ पे काम करते हुए भाई? लगभग महीना हो गया, और अब रावण अभी बन के तैयार हो गया, बस डेकोरेशन का काम रह गया, एक दो दिन का काम है हमारा, कल तक फाइनल हो जाएगा। और बाकी जो है रावण, ये ऑर्डर में बन रहे हैं या सेल के लिए बन रहे हैं? सर इसमें कुछ ऑर्डर में है और कुछ बुकिंग के है, अच्छा। और कुछ वैसे ही है मोहल्ले में जलाने के लिए। अच्छा भाई, आप देख ही रहोगे भाई कितने बढ़िया तरीके से काम चल रहा है। और भाई मैंने आपको एक यहाँ की एक अलग चीज भी दिखा दी जो आपने इंट्रो में देखी होगी, लाइन से मुंह लगे हुए हैं भाई, लाइन से दिखाऊं आपको, दिखाऊं भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दो पहले फिर दिखाता हूँ भाई, भगो मत जाना, स्किप मत करो भाई वीडियो, तसल्ली से देखो, दिखाई देता हूँ भाई फटाफट, चेक करो ये देखो भाई साहब, ये चेक कर रहे हो भाई, भाई बाहर मेन रोड पे सतरंगी मुंडियाँ तो ऐसे लाइन में लगी हैं, एक बार भाई स्किन कलर की मुंडियों पर भी नज़र मारो, देख रहे हो लाइन से लगी हुई है भाई पार्क के अंदर इस समय। और फिलहाल भाई अभी हम जहाँ पर खड़े हैं भाई दिल्ली NCR के अंदर रजौरी गार्डन के अंदर खड़े हुए हैं, और रावण इधर A1 बन रहा भाई, A1 अभी तो फिलहाल भाई इधर धोती वगैरह है, मैं आपको इधर बड़े रावण भी दिखाऊंगा इसके पिछले वाले पार्क में जाके, पहले आप देख रहे हो भाई लाइन से मुकुट वगैरह भी तैयार हो रखे हैं, ये देखो भाई ये रावण, इसका मुकुट है, ये इसका मुकुट है, ये इसका मुकुट है, ये इसका मुकुट, लाइन से भाई लाइन से रावण ही रावण, देख रहे हो बढ़िया भाई एकदम जबरदस्त, और एक बार पास से भी देख लो। और भैया ये जो रावण के मुंह पड़े हैं कितने फुट का रावण है? अच्छा 10-10 फुट के रावण है ये भाई, ये सारे 10-10 फुट के रावण है, देख रहे हो जबरदस्त भाई जबरदस्त बिल्कुल। और ये देखो भाई इसको तो मुकुट पहना दिया, ओए होए भाई कितना प्यारा लग रहा है भाई, हंसता हुआ रावण, पर भाई 2 दिन के बाद देखने को नहीं मिलेंगे, या फिर कह सकते हैं 2 दिन के बाद देखने, हाँ 2 दिन के बाद देखने को मिलेंगे, 3rd दिन के बाद नहीं मिलेंगे। बाकी भाई ये देख लो क्या रौनक लगी हुई है, मस्त है भाई मस्त एकदम, ये चेक करो बिना डेकोरेशन के कुछ ऐसा होता है, देख रहे हो, और भाई डेकोरेशन होने के बाद कुछ ऐसा होता है भाई, एक के एक मोती लगा रहे हैं भाई ध्यान से, ये देखो बढ़िया चीज़ है भाई एकदम बढ़िया। और बाकी इसकी छाती वगैरह किधर पड़े कुछ आइडिया? वो सात वाले पार्क में है, सात वाले, मैं चलो लेकर चलता हूँ तुम्हें दिखाता हूँ, है ना। तो भाई अभी फिलहाल हम दूसरे पार्क में आ गए, और भाई इधर कहते हैं ना ऑलमोस्ट सारी छाती बढ़ी हुई है, और देख रहे हो भाई कितनी बड़ी बड़ी छाती है, ये चेक करो भाई साहब कितनी बड़ी लग रही है भाई छाती, और भाई कितनी बढ़िया बना रखी है, ये चेक करो भाई इधर नीली कलर की रेडी हो रही है, और ये देखो भाई कितनी मस्त लग रहे हैं भाई खतरनाक बिल्कुल। और भाई इधर भी भाई सारी छाती रेडी हो चुकी है, ये देखो मतलब भाई डेकोरेशन A1 है इनकी, A1, ये चेक कर रहे हो अभी, इसके ऊपर भी मोती वगैरह लगेंगे तो बढ़िया लगेगा, ये देखो बढ़िया भाई एकदम बढ़िया, ये चेक कर रहे हो भाई सारे भाई इधर भाई अपना क्या कहते हैं चेस्ट बनी हुई है सारी, बढ़िया भाई एकदम बढ़िया, कितनी सारी छातियाँ पड़ी हुई हैं भाई इधर खतरनाक बिल्कुल। और भाई एक बार मुकुट पर नज़र मारना भाई ताज पे कितना बढ़िया लग रहा है,
भाई चीज मस्त है भाई, कुछ भी कहो एकदम मस्त चीज। और इधर भाई मुंह तैयार हो रहे हैं इनके, ये देख रहे हो भाई कितने बड़े बड़े मुंह, ओए होए क्या लग रहा है मुंह भाई, चेक करो। और भाई ये देखो भाई तीन मूछ वाला मुंह, ये देख रहे हो भाई, भाई साहब तीन मूछ वाला मुंह भाई, तीन मूछ वाला क्या लग रहा है, खतरनाक। तो भाई बाकी हम फिलहाल भाई उसी पार्क में आ गए जहाँ से हमने अभी व्लॉग शुरू करा था। बाकी भाई जो जो मुझे दिखा वो मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी। फिलहाल भाई इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करता हूँ, होप करता हूँ आपको मेरा आज वाला व्लॉग भी अच्छा लगा, तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी मिलते हैं इसके अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और जिनको नहीं पता भाई अभी फिलहाल भाई हमारे चैनल पर चल रही है भाई दिशहरा व्लॉग की सीरीज, मतलब कहते हैं ना, तो मैं दिल्ली एनसीआर के अंदर ऐसे ऐसे रावण दिखाने वाला हूँ ना जो भाई तुमने नहीं देखे होंगे, एकदम गजब गजब रावण, एकदम बढ़िया बढ़िया कंटेंट, एकदम बढ़िया बढ़िया वीडियो और एकदम फ्रेश वीडियो मिलने वाली है। बाकी इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, होप करता हूँ आपको मेरा आज वाला व्लॉग भी अच्छा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल सुबह 8 बजे न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।